मनुष्य जीवन का एक सार्थक तत्व है यह भगवान शंकर की पवित्र कथा। यदि आप और हम भगवान शिव की इस कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान है, भगवान शंकर की इस पवित्र कथा को यदि आप और हम सुन रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं भगवान शिव की ही कृपा है, उनकी उदारता। भगवान शंकर के स्वरूप में और भगवान शंकर के शिवलिंग में, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है, दोनों में अंतर है। आवाज नहीं है यहाँ पर। भगवान शंकर के शिवलिंग में और भगवान शंकर के स्वरूप में दोनों में अंतर है। कलकत्ता में कहा था कि जितना बल भगवान शंकर के स्वरूप में है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल भगवान शंकर के शिवलिंग में है। एक मौका अगर मानव देह में प्राप्त हो जाए, मनुष्य की देह में अगर एक बार अगर आपको मौका मिले, ये मानव का शरीर मिला है, उस मानव के शरीर में शंकर भगवान की अविरल भक्ति को हमें धारण करना है। तो ये प्रयास करिएगा कि इस मानव के शरीर से भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना। कई लोग कहते हैं क्या भगवान शंकर को हम पुकारते हैं तब भगवान शंकर हमारी सुनते हैं, तब भगवान देवादिदेव महादेव हमको श्रवण करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण का चरित्र कहता है। ना इधर आवाज नहीं आ रही होगी। ये मानव का जो शरीर है, मानव का जो चरित्र है, एक बार यदि यह मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मानव का जीवन मिला है, तो इस मानव की देह में, इस मानव के शरीर में एक बार भी यदि हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम कर लेते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव का दूसरी बार फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, यह भगवान शंकर के कैलाश धाम पर जाकर विराजमान हो जाता है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के इस प्रपंच से वो छूट जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी अपनी वाणी में कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शिव की भक्ति करना जरूरी है। बिना शंकर की भक्ति के जन्म और मरण के प्रपंच से हम लोग छूट नहीं सकते। और मेरी जीजियों, रेवाड़ी की मेरी बहनों और मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, ना जाने कौन कौन से पुण्य कर कर हमने मानव का शरीर प्राप्त किया है, ना जाने कौन कौन से पुण्य कर कर हम ये मानव के शरीर में आए हैं, और मानव का शरीर मिलने के बाद ना जाने कौन कौन से पुण्य हमारे प्रबल हुए होंगे, तब जाकर हम रेवाड़ी में ये शिव महापुराण की कथा में विराजमान हुए। कोई पुण्य आपका होगा, कोई पुण्य श्री सुनील जी मूसेपुर जी का होगा, उनकी धर्म पत्नी मंजू जी का होगा, उनके बेटा बेटी का होगा, उनके माता पिता का होगा, कोई पुण्य आपका और हमारा होगा, कुछ पुण्य यजमान परिवार का होगा। जिस पुण्य की प्रबलता से ये रेवाड़ी में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। आप आ गए, बैठ गए, कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हो गए। अब ये उसकी मर्जी है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको क्या देकर भेजेगा, कितना देकर भेजेगा और क्या प्रदान कर भेजेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, ये उस परमात्मा के ऊपर निर्भर है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक ही अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हे गंगहार मोती द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आर्यो शक्ति धारी शंभु तार तार तू। ये उसकी मर्जी है, उसका मन है, उसके ऊपर निर्भर है कि वो हमको क्या देकर भेजे, क्या प्रदान कर भेजे। हमारा काम है केवल भगवान को पुकारना। एक व्यक्ति कुएं के अंदर गिर गया। अब वो आसपास की जो दीवारें बड़ी चिकनी हो चुकी है, क्योंकि उसमें कई लगे। आसपास की दीवार पूरी चिकनी हो चुकी है क्योंकि इसमें काई लगी। अब वो निकलने का प्रयास करता है, परंतु वो दीवार इतनी चिकनी थी कि वो बार बार नीचे गिर जाता। फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, फिर नीचे गिर जाता। अब निकल नहीं पा रहा। बहुत प्रयास किया उसने, इतना प्रयास करा तो भी वो निकल नहीं। अब समझदारी क्या उसमें समझदारी ये होना चाहिए कि जब वो काई से घिरी हुई दीवार को पकड़कर निकल नहीं पा रहा है, पानी की चिकनाहट के कारण निकल नहीं पा रहा है, तब उस व्यक्ति ने एक समझदारी लगाना प्रारंभ करा। क्यों? क्योंकि उसको ये भान हो गया कि मैं निकल नहीं पा रहा हूं, अगर मैं पुकारूंगा, आवाज लगाऊंगा, चिल्लाऊंगा तो किसी के कानों में शब्द जाएगा, और शब्द गया तो कोई मुझे रस्सी फेंक कर निकाल देगा। यदि मैं पुकारूंगा तो कोई मुझे रस्सी फेंकेगा, नीचे डालेगा और मुझे निकालेगा। अब उसने जम जम कर चिल्लाना प्रारंभ करा, पुकारना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करा। और जब बहुत तेज उसने आवाज लगाई, बहुत तेज पुकारा, बहुत उसने आवाज लगाई, तब जैसे ही उसने पुकारना प्रारंभ करा, जैसे ही उसने बुलाना प्रारंभ करा, आवाज लगाना प्रारंभ करी, कोई पथिक जा रहा था, एलईडियां चालू करी है, एलईडी वाले एलईडियां चालू करी है। कोई पथिक निकल कर जा रहा था, और जब पथिक निकल कर जा रहा था उसने रस्सी फेंकी और रस्सी फेंककर उसको निकालना प्रारंभ। अब इस चरित्र से हमको सीखना, इस चरित्र से हमको कुछ ग्रहण करना, हमको सीखना। हम भी भवसागर के इस कुएं के अंदर गिरे पड़े, भवसागर के इस कुएं के अंदर हम भी गिरे पड़े हुए हैं और आसपास बहुत सारी परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले की काई लगी पड़ी हुई। बेटी कहती है पापा पापा, बेटे कहते हैं पिताजी पिताजी, माताजी माताजी, भाई कहता है भाई भाई, बहन कहती है भैया, माता पिता कहते हैं मेरा बेटा। ये सारी काई लगी पड़ी हुई है और भाव सागर से, कुएं से हम निकल नहीं पा रहे हैं। जब हम चारों तरफ से दुखी हो जाएं, चारों तरफ से एकदम घिर जाएं और चारों तरफ से जब हम निकल ना पाए, बहुत बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, बहुत दुख का समय चल रहा हो, तो उस समय पर जैसे कुएं में पड़ा हुआ व्यक्ति जब निकल नहीं पाता है तो आवाज लगाता है, उसी तरह जब चारों तरफ दुख से हम घिर जाएं उस समय हमें भी आवाज लगाना चाहिए कि मेरा शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा महादेव मेरे पास है। हम उसको पुकारें, हम उसको आवाज लगाएं, हम उसको पुकारने का प्रयास करें, हम उसको बुलाने का प्रयास करें। और जब हम उसको बुलाएंगे, जब हम उसको पुकारेंगे, तब मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे नजदीक में आएगा। जब आप उसको पुकारो, आप उसको बुलाओ, बोल बम का नारा है। जब हम उसको पुकारेंगे तब वो जरूर आएगा। उसको पुकारने के लिए आपको कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है उसको पुकारने के लिए केवल तुमको एक निर्मल मन, निर्मल सोच, निर्मल बुद्धि, निर्मल चित्त चाहिए। वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। जैसे हमारे पास में भगवान की आरती उतारने के लिए हमारे पास में ना हमारे पास में बाती है, ना हमारे पास में कोई दीपक है। आप लोगों में से पशुपति व्रत किस किसने करे हैं? जरा हाथ उठाइए। करे हैं सबने? रखो रखो। पशुपति व्रत करे होंगे तो आप लोगों के स्मरण में होगा कि हमने पहले पशुपति व्रत में एक उपाय, आप लोगों के पशुपति व्रत करने वालों के नियम का हमने वर्णन किया। कितने दिए लेकर जाते हो आप लोग? जम के बोलो जरा। छह ही दिए मंदिर में ले जाकर जमीन पर रख देते हो, रखते हो? कितने जलाते हो? पांच दिए जलने के बाद जो छठे नंबर का दिया है उसको वापिस, जो बिना जला है उसको थाली में रख देते। इसके अलावा तो कोई दिया लेकर नहीं जाते। जम के बोलो जरा। नहीं। अब कोई कोई ऐसा समझदार व्यक्ति ऐसा होता है कि वो क्या करता है कि इन्हीं पांचों दिए को उठा लेता है और उससे भगवान शंकर की आरती उतार देता है। कोई कोई ऐसा रहता है कि वो छह दिए के अलावा एक दिया या एक बाती अलग से लेकर जाता है जो भगवान शंकर की आरती उतार देता है। शिव पुराण में पशुपति व्रत का नियम है। आप सुबह के समय पर जो पूजन करने की थाली लेकर गए हैं, सुबह के समय पर आप भगवान शंकर की जो पूजा की थाली लेकर गए हैं, उस पूजा की थाली में सुबह के समय पर आप भगवान को लगाने के लिए दिया लेकर जाओ, मना नहीं। सुबह के समय पर आप भगवान शंकर को दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो, मना नहीं है। सुबह के समय तुम महादेव की दिए से आरती उतार दो, मना नहीं है। पर शाम के समय पर जो छह दिए हैं, छह दिए के बाद में सातवें नंबर की कोई बाती आरती की थाली में नहीं है। कोई बाती एक्स्ट्रा नहीं जाएगी कि आप पूजन करिए और पूजन करने के बाद आपने भगवान की आरती उतार दी, ना। शिवमहापुराण में तो यहाँ तक नियम है कि आप जो प्रसाद बनाते हो ना, जो आप खीर बनाए या आपने सीरा बनाया, हलवा बनाया, मीठा चावल बनाया या आपने मीठा सीरा बना लिया, खीर बना ली, कोई सामग्री मीठी बना ली, तो शिवमहापुराण तो यहाँ तक कहती है कि आपने जितना सामान कढ़ाई में बनाया है, आपने जितना सामान अपनी कढ़ाई के अंदर बनाया है, उतना सामान पूरा के पूरा ही आपको मंदिर लेकर जाना है, घर के अंदर आधा छोड़ना नहीं है। दो चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाती, दो चीजें। आरती शिव महापुराण की कथा आप लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यान लगाकर सुनना। दो चीजें हैं जो चलित में किसी को दी नहीं जाती। एक, अपने घर का तवा, तवा जानते हो जिस पर रोटी बनाते हो, कोरा तवा है, उस पर आपने कभी रोटी नहीं बनाई है तो आप किसी को दे सकते हो, मना नहीं। और यदि जिस तवे पर घर के अंदर रोटी बन चुकी है, जिस तवे पर रोटी उतर चुकी है, उस घर के तवे को किसी को नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि घर में जो बच्चे हैं वो बीमार के बीमार बने ही रहते हैं, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अगर एक बच्चा बीमार है तो दूसरा ठीक होगा, दूसरा बीमार है तो तीसरा ठीक होगा, तीसरा है तो चौथा बीमार पड़ेगा, ये निश्चित। दो चीजें चलित में किसी को नहीं दी जाती, एक तवा, दूसरे नंबर की कढ़ाई। घर में जो कढ़ाई होती है जिसमें आप सब्जी बना ली है, कोई सामग्री तल ली आपने, पूड़ी बना ली, कोई सब्जी बना ली, कोई हलवा बना लिया, सीरा बना लिया, कोई पदार्थ बना लिया, कोरी कढ़ाई है ना, आपकी मर्जी पड़े उसको दे दो, चले। कोरी कढ़ाई है ना, आप किसी को भी दे सकते हो। पर जिस कढ़ाई में आपने भोजन का निर्माण कर लिया है, जिस कढ़ाई में आपने कभी भी एक बार भी अगर कुछ बना लिया है, तो वो किसी को गिफ्ट में या किसी को दान में या किसी को दी नहीं जाती। नहीं तो उस घर के अंदर 1 रुपया कमाओ, 1.25 रुपये खर्च वाला काम चलता है, घर में कभी पैसा टिक ही नहीं सकता। वो जिंदगी भर कितना भी प्रयास कर, वो अपने जीवन में कितना भी प्रयास कर ले, घर में पैसा नहीं टिकेगा। वो भले कुबेर का खजाना लेकर आ जाए, चाहे वो दुनिया का भंडार भर कर ले जाए, पैसा आएगा जाएगा, घर के अंदर टिक नहीं। दो चीजें चलित में दी नहीं जाती। आपको बोलना है कौन कौन सी चीजें हैं। पहले नंबर की तवा, दूसरे नंबर की हमारे यहाँ के, दो चीजें दी नहीं जाती, हम इसको देते नहीं, देना नहीं। हाँ, यदि वो कोरी है, उसमें ना रोटी बनाई गई है, ना उसमें कोई सामग्री बनाई गई है, अगर वो कोरी है तो आप दे दो। पर यदि एक बार भी अगर वो प्रयोग में आई है तो वो नहीं, उसको देते नहीं, उसको दिया नहीं जाता। शिवपुराण भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, पशुपति व्रत करने वाली माताओं के चित्तवृत्ति में यह बात बैठना चाहिए, चाहे भाई पशुपति व्रत कर रहे हों, बेटे कर रहे हों, माताएं कर रही हों, बच्चे कर रहे हों, उनके बुद्धि में यह बात बैठना चाहिए कि सुबह के समय जाकर आप भगवान की पूजन करो, अर्चना करो, आरती करो, मना नहीं है। पर शाम के समय पर 6 दिए के सिवाय एक बत्ती भी मंदिर के अंदर थाली के अंदर रखकर नहीं जाती, आरती उतारने के लिए। अगर तुम्हें आरती उतारना है तो साथ में छोटा सा कपूर का टुकड़ा अपनी आरती की थाली में लेकर चले जाओ, पर बाती और दिया नहीं जाए, बाती और दिया नहीं जाए। वैसे तो आप लोग लेकर नहीं गए हो, मुझे विश्वास है कि आप लोग लेकर नहीं गए हो, और लेकर गए भी होगे तो उसका फल आपको फिर प्राप्त नहीं हुआ होगा, तो आप लोगों ने दूसरों से कहा होगा हमने तो करा पर हमें फल नहीं मिला। उसका कारण केवल इतना है कि आप उसका फल प्राप्त नहीं कर। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी दे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आओ। पशुपति व्रत के अंदर पशुपति व्रत के अंदर शाम के समय पर जब भगवान की आवाज गूंज रही है, सब दूर आवाज रिटर्न आ रही है, गला पकड़कर बोलना पड़ रहा है, उसको मिठास डाली है। पशुपति व्रत के अंतर्गत शाम के समय पर भगवान की आरती उतारने के लिए दिया नहीं जाता, केवल कपूर का एक टुकड़ा, केवल एक कपूर का टुकड़ा आप लेकर चले जाओ। और वो भी शिवमहापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिवपुराण कहती है। अगर आपका मन कर रहा है आरती उतारने का तो लेकर जाओ, नहीं तो यहां तक शिवमहापुराण के अंतर्गत वर्णन किया है पशुपति व्रत का कि एक बेलपत्री को हाथ के अंदर लेकर अपने हृदय से उसका स्मरण करकर शंकर भगवान को अर्ध घुमाना। कैसा घुमाना है? अर्ध, अर्ध मतलब शिवजी को पूरा घुमा भी नहीं रहे हो, कितना घुमा रहे हो, केवल अर्ध, केवल अर्ध। शिव जी को केवल अर्ध घुमाकर आप अगर अपने हृदय से शंकर भगवान को वो बेलपत्र समर्पित करते हो तो शिव उसको आरती के स्वरूप में स्वीकार कर लेता है। यहां तक शिव पुराण कहते। कितनी बार आरती करते हो आप लोग? जम के बोलो जरा, जम के। 2 बार, एक सुबह एक शाम। एक सुबह के समय आरती करते हो और एक शाम के समय आरती करते हो। 2 बार आरती केवल। अब 2 बार आरती करने में आप भगवान शंकर को, भगवान गणेश जी को, माता पार्वती जी को, दुर्गा भवानी को, भगवान शालिग्राम जी को, भगवान लड्डू गोपाल जी को, तुम्हारे घर में जिस जगह पर तुम भगवान की आरती करते हो उस जगह पर सारे देवता विराजमान हैं। किसी किसी का घर ऐसा होगा जहां पर सब देवता नहीं होंगे, फिर भी 2-4 तो होंगे। फिर भी 2-4 तो होंगे। जिस घर के अंदर सारे देवता विराजमान हैं, सभी देवी देवता जिसके घर के अंदर विराजमान हैं, आप प्रयास करा करो, प्रयास करना, आप भगवान शंकर की जब आरती उतारो तब प्रयास करना कि आरती का दीपक जब हम उठा रहे हैं उसके पहले हमारे हाथ में जो गरुण घंटी है उसका नाद प्रारंभ हो जाना चाहिए। गरुण घंटी का नाद प्रारंभ हो जाता है, उसके बाद आरती का दीपक जब उठता है। घर के अंदर की बात है, बाहर मंदिर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम घर के अंदर की बात कर रहे हैं। जब घर में सारे देवता जहां पर विराजमान हो, देवी भी है, देवता भी है, कुल देवता भी है, पितर देवता भी है, ये देवता भी है, वो देवता भी है, सारे देवी देवता जब वहां विराजमान है, तब उस जगह पर आपको एक क्रम करना है कि घंटी का नाद पहले करना। कारण अगर किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, किसी मंदिर के अंदर केवल एक देवता है, तो आप डायरेक्ट आरती उठाइए, घंटी बजाइए और चालू हो जाइए। पर घर के अंदर अगर सारे देवता विराजमान हैं, गणेश जी बैठे हैं, देवी जी बैठी है, पितृदेव बैठे हैं, गरुण देव बैठे हैं, वरुण देव बैठे हैं, सारे देवता देवी देवता उस मंदिर के अंदर बैठे हैं, तो आपको पहले गरुड़ की घंटी का नाद करना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जितने देवी देवता हैं, घंटी की आवाज सुनते से ही उन देवताओं की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाती है और हम जब दीप दिखाते हैं, आरती निहारना प्रारंभ करते हैं, तो देवता हमको वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। वो देवता हमें वर प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव कथा कर रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है। पशुपति व्रत करने वाले को दो नियम सबसे पक्के रखना चाहिए। अगर आप लोगों ने व्रत किया है तो उसके फल के लिए आपको ये कर्म करना। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार दी, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार दी, ये देश है पुकारता पुकार दी भारती, ये देश है पुकारता पुकार दी भारती, ये देश है पुकारता पुकार दी भारती, ये देश है पुकारता पुकार दी भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार दी, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार दी, उठो जवान देश के वसुंधरा उठो जवान देश की वसुंधरा पुकार दी, ये देश है पुकारता पुकार दी मां भारती, ये देश है पुकारता पुकार दी भारती। हमारे पूर्वजों को भी ये प्रसन्नता होती है कि हम कहीं श्रेष्ठ जगह पर पहुंचे हैं। देखिए, एक तो मिलना मानव का शरीर कठिन है और ऊपर से अगर मानव का शरीर मिल भी जाए तो भगवान का भजन कठिन है। और अगर ये दोनों चीज़ें मिल रही है, शरीर भी मनुष्य का मिल गया, मानव की देह भी मिल गई और भगवान की कथा, भजन, सत्संग सब मिल गया, तो समझिएगा कि आपके बराबर दुनिया में कोई पुण्य वाला स्थान, कोई पुण्यवान जीव नहीं। पत्नी, बच्चे, परिवार, भोजन, पानी, ये सब कुछ हर जन्म में हमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिस जन्म में हमको भोजन नहीं मिलेगा, ऐसा कोई जन्म नहीं जिस जन्म में हमारी पत्नी नहीं होगी, हमारा पति नहीं होगा, हमारे बच्चे नहीं होंगे, ऐसा कोई जन्म नहीं है जिस जन्म में हमारा रहने का कोई स्थान नहीं होगा। संपूर्ण जन्म में जितने भी जलचर, थलचर, वायुचर, जितने भी हमारे जन्म हैं, प्रत्येक जन्म में, हर एक जन्म के अंतर्गत हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार सब कुछ होगा, पर प्रत्येक जन्म में भगवान की कथा नहीं हो सकती और भगवान को चढ़ाने के लिए एक लोटा जल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। मिला मौका ये शरीर से, मिला ये शरीर कुछ अच्छा कर जाना। जाते तो सभी हैं, मरेंगे तो सब। कौन सा सीवर वाला महाराज अमर बूटी खाकर आया जाएगा तो वो भी, और जाना आपको भी है। संसार का कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो मृत्यु से पीछे हट जाए। जैसे आपके पड़ोसी आपके पास में रहते हैं, आपके रिश्तेदार आपके पास में रहते हैं, ये पक्का है। जितने शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले हैं, जितना शंकर भगवान का गुणगान करने वाले हैं, जितना शंकर भगवान का स्मरण करने वाले हैं, ये भी कोई साधारण सी भूमि पर निवास नहीं करेंगे, साधारण सी जगह पर नहीं रहेंगे। परिवार वाले भले साथ छोड़ दें, नातेदार रिश्तेदार भले साथ छोड़ दें, कुटुंब कबीले वाले भले साथ छोड़ दें, हमारे अपने हमें भले छोड़ दें, पर जिस महादेव को आपने एक लोटा जल चढ़ाया है, उस महादेव ने आपके हाथ को पकड़ कर रखा है। सब छोड़ देंगे पर मेरा महादेव आपको नहीं छोड़ेगा। हर छोड़ कर चला जाएगा, कुटुंब परिवार नाते रिश्ते सब छोड़ देंगे। हवन में आहुति में घी डाला जाता है। अब आहुति में घी डालते हैं, हवन में घी डालते हैं, क्यों डालते हैं? तो कहा कि अग्नि प्रकट होती है। तो अग्नि तो केरोसिन का तेल डाल दोगे तो भी प्रकट हो जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? मिट्टी का तेल डालोगे, केरोसिन का तेल डालोगे, घासलेट का तेल डालोगे तो क्या अग्नि प्रकट नहीं होगी? मिट्टी के तेल से, घासलेट के तेल से, केरोसिन के तेल से भी अग्नि प्रकट हो सकती है, पर यज्ञ में, आहुतियों में, हवन में केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल, घासलेट का तेल नहीं डाला जाता, घी डाला जाता है। इसलिए क्योंकि हवन में भक्ति की जरूरत होती है, अहंकार की नहीं। घासलेट का जो तेल होता है, मिट्टी का जो तेल होता है, उसको आग में आप यूं डालो एकदम भभक के ऊपर जाएगा, पर उसी अग्नि में आप एक कटोरा भरकर घी डाल दो, एकदम भभक कर अग्नि ऊपर नहीं जाएगी, धीरे से जाएगी, एकदम स्लो जाएगी, एकदम आराम से जाएगी। घासलेट का तेल डाला, पेट्रोल डाला, डीजल डाला तो एकदम आग भभक जाएगी, एकदम अग्नि तेज हो जाएगी, पर घी डाला तो वो अग्नि एकदम भभकेगी नहीं, धीरे से अग्नि पकड़ेगी, तब धीरे से वो अग्नि फिर आंच पकड़ेगी और फिर ऊंची जाएगी। उसी तरह अहंकार व्यक्ति का तुरंत भभक जाता है, अभिमान व्यक्ति का तुरंत, जैसे पेट्रोल डाला, डीजल डाला, घासलेट, केरोसिन तेल डाला और अग्नि प्रगटी, एकदम आग भभक गई, एकदम आग तेज हो गई। अहंकार एकदम भभक सकता है, अभिमान एकदम भभक सकता है, अहंकार एकदम प्रकट हो सकता है। जरा सा किसी ने कुछ कहा और आपका अभिमान प्रकट हो गया, मैं तुम्हें जान लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें समझ लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये तुम्हारा अभिमान है, ये एकदम भभक जाता है। पर जो घी की आंच होती है, जो घी अग्नि में डाला जाता है, जो घी हवन में डाला जाता है, जो घी साकल्य में छोड़ा जाता है, वो अहंकार का नहीं होता, वो भक्ति का होता है। इसलिए उसमें आँच एकदम तेज नहीं हो पाती, उसमें नम्रता की आँच चलती है। नम्र भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की नम्रता। परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की सहनशीलता। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपकी वाणी की मिठास। एक तोता, आप में से कई लोग होंगे जिनके घर में मिट्ठू होगा, तोता होगा, उसको लोग हरी मिर्ची खिलाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? खिलाते हो कि नहीं खिलाते? तोते को हरी मिर्ची खिलाते हैं तो भी वो मीठा बोलता है, और इंसान रोज आधा किलो शक्कर खा जाता है तो भी कड़वा बोलता है। तोता हरी मिर्ची खाने के बाद भी मीठा बोल रहा है। श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को खाते थे, श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को मुख में लेते थे, तो उनके पास में बैठे हुए उनके भक्त कहते थे, गुरुदेव आप कुछ अच्छा पाने का प्रयास क्यों नहीं करते? आप कुछ अच्छा खाइए ना, हम आपके लिए पकवान लाते हैं, लड्डू लाते हैं, पेड़ा लाते हैं, हम मिठाई लाते हैं, हम आपके लिए ये लेकर आते हैं, हम आपके लिए वो लेकर आते हैं। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं, मिर्ची खाने वाला तोता मीठा बोल देता है, पर मीठा खाने वाला भी एक दिन कड़वा बोल देता है। इसलिए मिर्ची से हेत कर ली ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने हेत तो मिर्ची से करी है, हमने पाया तो मिर्ची को है। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, अहंकार, ये कहीं ना कहीं हमें परमात्मा से दूर कर देता है। तन को धोने के कितने सारे साबुन मिलते हैं भाई, जरा विचार करिएगा। एक से बढ़कर एक साबुन, बाजार में चले जाओ, बहुत जोरदार जोरदार साबुनों का नाम आपको मिल जाएगा। साहब ये वाली कंपनी का है, साहब गोदरेज का है, साहब पेयर्स है, साहब लक्स का है, साहब लाइफ बॉय का है, साहब ये वाला है, साहब ब्रिज का है, साहब ये है, साहब वो है, कहीं मोती का है, कहीं इसका है, कहीं उसका है। विचार करिए, तन को धोने के साबुन बहुत सारे मिल रहे हैं, तन को धोने के साबुन बाजार में बहुत मिल जाते हैं और आप तन धो भी लेते हो, पर आज तक ऐसी कोई दुकान नहीं मिली जहां पर मन को धोने का साबुन मिलता हो, जहां से हम साबुन खरीद लाएं और अपने मन को धो। हमने महाराष्ट्र की इस भूमि पर एक चीज देखी है, वो कहे बिगड़ नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र के लोग क्या करते हैं, जब बर्तन बहुत काला हो जाता है, मांज मांज कर देख लिया कि बहुत काला हो गया, बहुत घसा उसे, बहुत घसा, पर वो बर्तन उजला ही नहीं हुआ, वो बर्तन साफ ही नहीं हुआ। तो महाराष्ट्र के लोग इतने चतुर होते हैं, उस बर्तन को छाछ में या बर्तन के अंदर छाछ भर देते हैं। क्या भर दिया है? छाछ। छाछ बोलते हो, मई बोलते हो, क्या बोलते हो? छाछ बोलते हो। तो महाराष्ट्र के लोग जो बर्तन ज़्यादा काला हो गया, साफ नहीं हो रहा, उसमें छाछ भर देते हैं और थोड़ी देर रख देते हैं। अब बहू कहती है माँ बहुत काला है, माँ कह देती है छाछ भर के रख दे, पड़े रहने दे, 2-4-8 घंटा छाछ भरी रहेगी ना, साफ हो जाएगा। अब बर्तन जब साफ नहीं होता तो उसको छाछ में डुबो दिया जाता है, उसके अंदर छाछ भर दी जाती है। महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के ही नहीं कई जगह पर हमने देखा, जो बर्तन साफ ना हो, जो बर्तन साफ नहीं हो रहा हो, उस बर्तन में लोग छाछ भर देते हैं। उस बर्तन में छाछ भर दिया। आप छाछ भर दिया तो बर्तन को मांजने की जरूरत नहीं है, बस छाछ भरी रहने दो, भरी रहने दो, भरी रहने दो। एक दिन, पूरा दिन, 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक जब वो छाछ भरी रहेगी तो वो छाछ बर्तन को अपने आप साफ कर देगी। छाछ में खटास होती है, जिस खटास से बर्तन साफ हो जाता है, वो बर्तन एकदम क्लीन हो जाता है। बस हमें भी महाराष्ट्र की भूमि से ये सीखना है, जो बर्तन साफ ना हो उसको छाछ में डुबो के रख दो। उसी तरह अगर हमारा मन संसार में कहीं ना लग रहा हो, अर्थात हम कामी, लोभी, वासनावान, अहंकारी, तृष्णावान, ना जाने कितना कितना बर्तन गंदा हो गया, तो इस बर्तन को भी, इस शरीर को भी, इस मन को भी भगवान के भजन रूपी छाछ में डुबो के रख दो, बर्तन साफ हो जाए। तन धोने का साबुन मिल सकता है। आजकल तो साबुन भी खत्म हो गया, साबुन की जगह आजकल बॉडी वॉश आ गया, वो क्या बोलते हैं, सोप आ गया, बॉडी सोप क्या बोलते हैं, वो फेस वॉश भी आ गया हो। इतना लोगों ने प्रोग्रेस करी, इतनी तुकतान लगाई, इतनी तुकतान लगाई, इतनी प्रोग्रेस कर ली कि साहब साबुन भी पकड़ना नहीं पड़ेगा, केवल होटल में जाके यूँ दबाओ, यूँ निकले, दवाई में पोता नहा के बाहर। और चलो तो चलो, हैदराबाद कथा करने गए थे, वहाँ तो बाल्टी भी नहीं धरी उनने, ना डब्बा धरा। हमने पूछा भाईती जी से, हमने कहा भाईती जी इसमें तो बाथरूम में बाल्टी और डब्बा कुछ भी नहीं है। ये गुरु जी जरूरत ही नहीं है। हमने कहा क्यों जरूरत नहीं है? बस ऐसी बटन दबाओ, ऊपर से पानी गिरेगा ना, नहा धो के चल दो। कितनी प्रोग्रेस करी, बहुत उन्नति हमारे राष्ट्र ने करी है, मना नहीं है, पर एक उन्नति इस राष्ट्र की जो पुरानी है उसको अपने जीवन में उतार कर रखना, भगवान की भक्ति, ये उन्नति सबसे पुरानी है, इसका भजन करो, भजन। स्कूल में आपको कमाने का तरीका सिखाया जाएगा, स्कूल में आपको डिग्री प्राप्त करने का तरीका सिखाया जाएगा, स्कूल में आपको कमाने का तरीका सिखा दिया जाएगा, पर घर के संस्कार, परिवार के संस्कार आपको कमाने का तरीका सिखाएं, जाना सिखाएं, पर आपके भीतर अहंकार ना आए। ये घर का, परिवार का संस्कार हमें सिखा देगा कि हमें कैसे रहना, हमें किस तरह से रहना। बहुत लोगों ने उन्नति कर ली, हर जगह पर लोग, बैंक आपको खूब पैसा उधार देने को बैठी है, मकान बना लो, बहुत सारे बैठे होंगे लोन लेके मकान बनाया होगा। गाड़ी लेना है, बोलते जाओ, जम के बोलो लोन ले लो। शादी करना है, लोन ले लो। लोन से, कर्जे से आप बंगला बना सकते हो। लोन से, कर्जे से आप गाड़ी ले सकते हो। लोन से, कर्जे से आप शादी भी कर सकते हो। लोन से, कर्जे से आप ऐश और आराम की जिंदगी भी जी सकते हो। पर लोन से, कर्जे से आप मन से कभी सुखी नहीं रह सकते, ये निश्चित रखिए। आप भीतर से कभी सुखी नहीं रह पाओगे, टेंशन बना ही रहेगा। देना है, उसका नाम है कर्जा। कर्जे का मतलब पूरा अगर समझेंगे तो कर करके जा, उसका नाम, जम के बोलो जरा, कर्जा। एक मुंबई में, पूना में, दिल्ली में फ्लैट लिया, एक फ्लैट लिया और उसका कर्जा चुका चुका के खुद आखिरी में आरती पे लेट गया। उसी का नाम है फ्लैट, अंत में जाके लेट। पूरी जिंदगी कर्जा चुकाता रहा, पूरी जिंदगी। बहुत लोगों ने उन्नति कर ली, हर जगह पर लोग, बैंक आपको खूब पैसा उधार देने को बनाया। फ्लैट, अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाए, अपनी तनख्वाह से पैसे कटते रहे वो फ्लैट। बाद में किसके काम आया? तुम पूरी जिंदगी लोन भरते रहे। ना पत्नी ने वो कर्जा चुकाया, ना बच्चों ने कर्जा चुकाया, पूरी जिंदगी तुमने कर्जा चुकाया। सुख से दो रोटी नहीं खा पाए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना कमा रहे हो उसमें से थोड़ा सा बचत कर कर अपना भरण पोषण सही तरीके से करो। मत कहीं दान करो, कहीं मत दो, कम से कम अपने ऊपर खर्च करो और अपनी जिंदगी सही जीने का प्रयास करो। अपना जीवन सही जियो, अपने जीवन को मस्त जीने का प्रयास करो, अपने जीवन को श्रेष्ठ जीने का प्रयास करो। और जब हम अपने जीवन को श्रेष्ठ जीने का प्रयास करेंगे, जब हम अपने जीवन को सही तरीके से जीने का एक प्रयास करेंगे, तो उम्मीद है हमारा वो जीवन अपने आप सार्थक। महादेव, मेरे गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, मैं दोनों को यहां लेकर आई हूं। बाबा को प्रणाम। एक बार दोनों के लिए बहुत बहुत साधु था। शंभु शरण में पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण में पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपको। शिव कृपा। अरे लुटा दिया प्यार का शिवाले ने, कर दिया माला मार का शिवाले ने। एक निवेदन करना चाहते हैं, आप लोग अगर स्वीकार करेंगे तो 15 से 20 मिनट कथा रोकी गई लाइट की प्रॉब्लम के कारण। भले आस्था चैनल पर भले 4 बजे कथा कट हो जाए, पर हमारा मन है कि 20 मिनट कथा पीछे तक चलती रहे। आप लोगों का अगर मन होगा तो अपन इस कथा को अपना समय कवर करेंगे। जो हमको बाबा ने जो समय दिया है उसको हम पूरा आप तक पहुंचाएं, ये प्रयास करेंगे। 4 बजे कथा अगर आस्था चैनल पर कट हो जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे फेसबुक चैनल पर, ये कथा चलती रहेगी 20 मिनट पीछे तक, ठीक है। अगर मान लो कथा टीवी पर देखने वालों की कट हो जाए तो वह यूट्यूब चैनल फेसबुक पर भी देख सकते हैं। आस्था चैनल वालों से भी निवेदन है, जितना ज्यादा दिखा सकते हो प्रयास करिएगा। शिव तत्व है भगवान शंकर की परम आनंदता। मेरी जीजियों, जैसे घर की खिड़की मजबूत होती है, घर का दरवाजा मजबूत होता है। खिड़की क्यों मजबूत रखी कि कोई अंदर प्रवेश ना करे, दरवाजा क्यों मजबूत? महापुराण की कथा कहती है, कथा सुन सुनकर अपने मन और दिल को भी इतना मजबूत कर लो कि शंकर की निंदा तुम्हारे कानों में प्रवेश ना करे, निष्फलता तुम्हारे भीतर ना है। हार नहीं सकते कभी जिंदगी में। ये कभी विचार ना करिएगा कि मैं बहुत थक चुका हूं, मैं बहुत हार चुका हूं, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। ना, निष्फलता तुम्हारे भीतर प्रवेश ना। अगर शंकर की कथा आप सुन रहे हो ना, शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हो, तो भीतर से इतने मजबूत हो जाना कि तुम्हारे अंदर कोई ये विकार ना आए कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, या मुझे इतना बड़ा रोग हो गया, बीमारी हो गई, अब मैं ठीक नहीं हो सकता। यदि तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तो ऐसी कोई नौकरी नहीं है जो तुम्हें नहीं मिल सकती है, और ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसे तुम हरा नहीं सकते। अपने लक्ष्य को पक्का कर, अपने विश्वास को पक्का कर। आज कोई कह रहा था कि गुरुजी ये बताइए कि भगवान शंकर के मंदिर की सीढ़ी चढ़ने का फल क्या है, मंदिर में जाने का फल क्या है, मंदिर की चौखट पर जाने का फल क्या है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने का क्या फल है, शिवालय में जाने का क्या फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर के शिवालय की जितनी सीढ़ियां चढ़ते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की कथा तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान के मंदिर तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम शिवालय तक पहुंचते हैं, जितने कदम चलकर हम भगवान शंकर की पवित्र कथा तक पहुंचते हैं, शिव कथा कहती है उतने उतने मार्ग मेरा भोलेनाथ तुम्हारे लिए खोलता चले जाता है और आपको आगे निकालता चले जाता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आपकी भक्ति के बल को आप बढ़ाइए, आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। एक मां बेटी है जिसको ताने दे देकर लोगों ने मार दिया, तेरी शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल तेरी शादी को हो गए। 17 वर्ष तक भी उसके घर में औलाद नहीं हुई। तब आखिरी में एक कोई ने मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर कोई ने, ये कहीं जा रही थी और बस की सीट के पास में कोई मोबाइल पर कथा देख रहा था, तो इसने कहा भैया ये किसकी कथा है? उसने कहा ये शिव पुराण की कथा है, हम सुनते हैं। जब जब हमने मोबाइल पर सुनी चाहे टीवी पर सुनी, भगवान ने हमारी सुनी। तो कहा मेरे घर में 17-18 साल हो गए, औलाद नहीं है, तो क्या मुझे भगवान औलाद दे देगा? तो उसने कहा अगर तू टीवी के सामने आसन लगाकर बैठकर दिल से कथा सुनेगी तो 18 क्या 20 साल बाद भी औलाद हो जाएगी, पक्का है। और उसको 18 साल के बाद में औलाद हुई। कहीं बैठी हो 17-18 साल के बाद में औलाद हुई, हम पत्र ढूंढेंगे। उससे अच्छा अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। 17 साल के बाद, 18 साल के बाद उसको औलाद हुई, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। और बच्चों को अगर लेकर आई हो तो यहाँ ला सकती हो, उसका पत्र हम ढूंढेंगे, टाइम लगेगा। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका तत्व की प्राप्ति। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, ऐसी ऐसी दुख काटो दया करी दर्शन। आप शिव तत्व को जितना भजोगे, भगवान शंकर की कथा को जितना अपने भीतर उतारोगे, शिव भक्ति को जितना अपने अंदर उतारने का प्रयास करोगे, मेरा देवाधिदेव महादेव उतनी कृपा करना प्रारंभ करेगा। शिव तत्व शंभु ओ घड़ी है। मेरी रेवाड़ी की जीजियों, मेरे रेवाड़ी के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, अपने भीतर एक विश्वास को दृढ़ बनाकर रखना। जितने यहाँ कथा में बैठे होना, एक विश्वास को पक्का रखकर बैठना। इसमें अलवर के और अभी कथा बाची थी हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में सिरसा का, इन पूरे पत्रों में सबसे ज्यादा पत्र अलवर के, सिरसा के, नोएडा, दिल्ली में जो कथा बातचीत थी स्कूल में, उसके पत्र हैं। इन पत्रों में लिखा कि हमने वहां के पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी। इतना विश्वास लेकर लोग कथा में आते होंगे। एम्बुलेंस लगा लगा कर लोग अपने अपने घर के जीवों को, जो बीमार है, बहुत तकलीफ में है, वो भी कथा सुन रहे हैं। शायद रेवाड़ी में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा होगा जिस नजारे का दर्शन आप यहाँ सुनील जी के इस पवित्र प्रयास से आप देख रहे हैं। और मैं सुनील जी आपको धन्यवाद देता हूं कि इसमें से कई जीजियां मेरी ऐसी हैं, कई माताएं, कई भाई ऐसे हैं जो कहीं बाहर जाकर कथा नहीं सुन पाए थे, आपके माध्यम से कम इनको कथा सुनने का मौका मिला। साधुता ये शिव तत्व, एक प्रयास करिए भगवान को पाने का। खिड़की मजबूत बनाते हो जिससे अंदर कोई घुसे ना, प्रवेश ना करे। दरवाजा मजबूत लगाते हो जिससे अंदर प्रवेश ना करे। उसी तरह अपने मन को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को भी इतना मजबूत बनाना कि मैं हार नहीं सकती, मेरे साथ में मेरा देव अधिदेव महादेव है, वो मुझे जिता करना। वो एक लाइन रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। एक संबंध परमात्मा से जोड़ो, एक रिश्ता भगवान से जोड़ो। इन पत्र में एक बहन ने लिखा है जिसमें उसने लिखा कि मैं इतनी कर्जे में डूब गई, इतनी कर्जे में डूब गई कि ना मेरे पास खाने को था ना पहनने को था, ना खाने को है ना पहनने को। उस बहन ने पंतु लिखा कि आज बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, सब कुछ। मेरा मकान चले गया, काम धंधा बिजनेस सब चले गया, बहुत दुनिया के धक्के खा लिए। ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जिस दरवाजे पर जाकर मैंने रोई नहीं होंगी। और आखिरी में मैंने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरे शंकर भगवान ने 8 साल पहले जो मकान मेरा गिरवे रखा, फिर बिक गया, सब चले गया, 8 साल के बाद मेरे बाबा ने उससे 4 मंजिला बड़ा मकान बनाकर मुझे दे दिया। दक्ष प्रजापति नहीं जाना था भगवान शंकर को। दक्ष प्रजापति के मन में तो शंकर जी के प्रति बैर भरा हुआ था। कारण एक बेटी रति कामदेव के साथ ब्याही थी। कई कन्या चंद्रदेव के साथ में ब्याही थी, कई कन्या ऋषिवरों के साथ ब्याही थी, केवल एक माता सती ऐसी थी जो भगवान शंकर के साथ ब्याही थी। कामदेव के यहाँ रहने के लिए सुंदर भवन था, ऋषियों के यहाँ रहने के लिए सुंदर भवन था, चंद्रदेव के यहाँ रहने के लिए सुंदर भवन था, पर सती जहाँ रह रही थी वो सुंदर भवन नहीं था। कैलाश पर्वत वो सुंदर भवन नहीं है। कैलाश पर्वत एकदम खुला वीरान, रह रही है माता। दक्ष प्रजापति के मन में बहुत बहुत भेद उत्पन्न हो गया। और भेद क्या था? दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को काया का रोग होने का श्राप दे दिया था कि चंद्र मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे काया का रोग होगा। चंद्र को काया का रोग हो गया, उसकी काया छिन्न होने लगी, गिरने लगी, टपकने लगी। जब काया का रोग हो गया चंद्रदेव को, चंद्र बड़ा दुखी हो गया। मैं करूं तो करूं क्या, क्या क्या बीमारी और भिखारी इनको बुलाना नहीं पड़ता, ना बीमारी को बुलाना पड़ता है, ना भिखारी को बुलाना पड़ता है, ये अपने आप आता है। बीमारी भी अपने आप आती है और भिखारी भी अपने आप आता है। आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी चौराहे पे खड़ी कर लो, भिखारी आ जाए। आप थोड़ी देर कहीं जाकर खड़े हो जाओ, भिखारी आपके सामने आ जाएंगे। आपने उसको हाथ देकर नहीं बुलाया, भिखारी को इशारा कर नहीं बुलाया, भिखारी को झाला देकर नहीं बुलाया, भिखारी को पत्र देकर नहीं बुलाया। भिखारी और बीमारी ये दोनों बिना बुलाए आते हैं। बीमारी को भी बुलाया नहीं जाता कि मेरा सिर दुखना, मेरा पेट दुखना, मेरा हाथ पैर दुखना, ये बीमारी को बुलाया नहीं जाता। आज आज एक बहन कह रही थी कि गुरुजी, वो अभी अभी की बात कहे, गुरुजी सिर की गोली अलग होती है, पेट दुखने की गोली अलग होती है, पेट दुखने की गोली अलग होती है, थायराइड की गोली अलग होती है, बीपी शुगर की गोली अलग होती है, और आप तो कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा चाय। सबकी गोली अलग है और आपने एक ही गोली कर दी। तो हमने उससे कहा, देखो पहले पूर्व समय का अंदाजा लगाकर बैठिए। पुराने समय में घुटने के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, फेफड़े के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, आंख के डॉक्टर अलग नहीं होते थे, सिर के डॉक्टर अलग नहीं होते थे। गांव में शहर में एक डॉक्टर होता था, वो एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर रहता था और वो एक डॉक्टर सारी रोग का इलाज कर देता था। उसी तरह से मेरे शंकर महामृत्युंजय कहलाते हैं, वो सारा रोग का एक बार। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव स्मरण में डूबने वाला, उसका इलाज मेरा भोलेनाथ जानकर कर देता है। सिर की गोली खाते हो, सिर बंद होता है कि नहीं होता? जम के तो बोलो, होता है ना। पेट की गोली खाते हो, पेट बंद होता है कि नहीं होता? जम के बोलो, होता है ना। नेत्र की गोली खाते हो, नेत्र की तकलीफ दूर होती है ना। तो गोली को कैसे मालूम कि सिर में ही फिट होना? उस पे सील ठप्पा देकर तो नहीं भेजा गया कि तू कहीं इधर उधर मत जाना। पेट की गोली है तो पेट पे इफेक्ट करना, सिर की गोली है तो सिर पर ही इफेक्ट करना। आप गोली को कैसे मालूम होता है कि पैर दुखने की है तो पैर पर असर करेगी, हाथ दुखने की है तो हाथ पर असर करेगी, किडनी की है तो किडनी पर असर करेगी, लीवर की है तो लीवर पर असर करेगी, थायराइड की है तो थायराइड पर असर करेगी, और सिर दर्द की है तो सिर दर्द पर असर करेगी। गोली को खाया जाता है, वो पेट में जाती है और जिस चीज में तकलीफ होती है वहां वो असर करना प्रारंभ करती है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल तुम जब रोज पीते हो, तुम्हारी इंद्रियों में जहां जहां तकलीफ होती है मेरा महादेव वहां स्वयं आकर उसको अच्छा करना प्रारंभ कर देता है, श्रेष्ठ करना प्रारंभ कर देता है। यहां यहां अपन लोग स्तुति गाते हैं, भोला इस स्तुति में हमने कभी ये नहीं कहा कि बाबा मेरा सिर दुख रहा, कि पांव दुख रहा, कि हाथ दुख रहा। हमने एक ही बात कही, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। हमने स्तुति में गाया, बाबा मेरा सब दुख काट दीजिए, बाबा मेरी सब तकलीफें काट दीजिए। एक दुख नहीं जिंदगी में, ना जाने कितने दुख हैं, कितने दुख। सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, सबका अपना अपना कष्ट है, सबकी अपनी अपनी बीमारियां हैं, सबका अपना अपना रोग है, सबका। चंद्रदेव को रोग हुआ काया का, काया टपक टपक कर गिरने लगी, चंद्र की आंखों में आंसू भर गया, मेरा काया का रोग कौन मिटाया? कौन? शराब किसने दिया था? किसने शराब दिया था चंद्र को? दक्ष प्रजापति, स्वयं के ससुर ने, स्वयं के ससुर ने शराब दिया। काया का रोग होता है। अब इसको मिटाएगा तो मिटाएगा कौन? कौन मिटाएगा? कौन मिटा सकता है? चंद्र के मन में खलबली उत्पन्न होने लगे। कौन मेरे दुख को मिटा सकता है? चंद्र की आंख में आंसू भर गए, रो रहा। और बहुत ध्यान देने वाला विषय है, जब चंद्र रो रहा है, चंद्र की आंखों में जल भर गया कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया। चंद्र भगवान नारायण के पास में जाकर विनय करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करे कि मेरे शरीर में ये रोग पड़ गया है। चंद्र ने कई देवताओं के पास में जाकर निवेदन करा कि मुझे ये रोग पड़ गया है, ये रोग का निवारण कैसे हो सकता है? इस रोग का निवारण कैसे, इस रोग से मुक्ति कैसे? कोई ने कह दिया, चंद्रदेव को कई लोग मिले, चंद्रदेव से कहा तुम ये कर लीजिए, ऐसा करने पर तुम्हें फल की प्राप्ति हो जाएगी। एक शीतल आरती होती है, मेरी जीजियों बड़े सावधानी से सुनिएगा। एक शीतल आरती होती है, कभी अगर तुम्हारे जीवन में अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि रोग बड़ा भारी हो चुका है और बहुत भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कोई बड़ी बीमारी बताएगा, तो उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए, एक पुष्प हाथ की हथेली में रख लीजिए। और यहां तक शास्त्र कहता है, अगर हो सके तो आंकड़े का अगर पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, अकौए का फूल, जो शंकर भगवान पे चढ़ता है, छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है, वो उसको तुम्हारे यहां क्या बोलते हैं? हरियाणा में आंकड़े पुष्प बोलते हैं। आपका पुष्प मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। अब उसमें चाहे सफेद हो, चाहे नीला हो, चाहे गुलाबी हो, जैसा भी हो, हाथ में रखने के बाद हाथ में एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, और प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में, जब भगवान शंकर के साक्षी में जब पहुंचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में न दिया है, ना बाती है, ना अगरबत्ती है, ना चंदन है, ना कपूर है, ना कोई सामग्री है, केवल एक आंख का पुष्प और एक लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का प्रयोग करो। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर कर, जब 11 बार शंकर के शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक कलश को जब घुमाया जाता है, और घुमाने के बाद आंख का जो पुष्प है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया जाता है, जो जल समर्पित किया जाता है, डॉक्टर भले तुमसे कह रहा हो कि तुम्हें बड़ी बीमारी के चांस हैं, आप जाकर एक बार चेक कराना, तुम्हें वो बड़ी बीमारी निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो। इसको शीतल आरती का प्रयोग किया गया। ये शीतल आरती, इसको शीतल आरती कहा, शिव की प्राप्ति का, एक रोग से मुक्त होने का। अब आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किसने करा, तो आपको ध्यान लगाना है इस प्रयोग को। सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण करिएगा। आप स्कंद पुराण में, शिवमहापुराण में सोमनाथ जी की कथा का स्मरण करिएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, रोग इतना भारी था, चंद्र समझ नहीं पा रहे थे मैं करूं क्या। तब देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए। नारद जी ने कहा, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, और समुद्र का ही जल भगवान शंकर उनके आनंद से आरती कर कर उनको चढ़ाने का प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि चंद्र के पास आकर भगवान शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूं, तेरा काया का रोग समाप्त होगा, ये मेरा वर है, क्योंकि तूने मेरे शीतल आरती का प्रयोग किया। मेरी जीजियों, दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, वैशाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी अभी क्या चल रहा है, फागुन, अभी क्या चल रहा है, फागुन। जब वैशाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन वो मिट्टी के पात्र का जज अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंद कैश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंद कैश्वर महादेव। कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छा मिले ना मिले, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। महाराज, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ा मकान मिल जाने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। शिवमहापुराण की कथा कहती है, अगर दो सही मिल जाएं तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। एक गुरु सही मिल जाए और दूसरी घरवाली सही मिल जाए तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग। दो सही मिलना चाहिए। धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, वैभव मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, सत्ता मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता, बड़ी मकान बड़ी गाड़ी मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जिसको दो ठीक मिल गए, दो अच्छे मिल गए। एक गुरु अच्छा मिल जाए, दूसरी जम क्यों बोलो घरवाली अच्छी मिल जाए। गुरु अच्छा मिलेगा तो तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देगा और घरवाली अच्छी मिलेगी तो घर को स्वर्ग बना देगी। गुरु भले पीछे रह जा पर जगदम्बा घरवाली भगवान से प्रार्थना करना, ऐसी मिले जो मेरे अनुकूल हो, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। एक पति की पत्नी अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी। पति उससे कहता था आलू की सब्जी बना ले, वो बैंगन की बनाती थी। पति उससे कहता आज तू पीली साड़ी पहनना, वो नीली पहनती थी। पति उससे कहता कि देख चाय बनाना, तो वो कॉफी बनाती थी। इतनी प्रतिकूल, अनुकूल थी नहीं, बिल्कुल उल्टा चलती थी, बिल्कुल उल्टा। एक दिन पति को बड़ा दुख हुआ और पति ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव 16 श्राद्ध का समय आ रहा है, श्राद्ध पक्ष आ रहा है, गुरुदेव मेरे पिताजी का श्राद्ध आ रहा है, मैं अपनी पत्नी को बोलता हूँ पर वो श्राद्ध नहीं करने देती है क्योंकि उल्टा चलती है, मैं क्या करूँ? गुरुजी ने कहा एक काम कर, अभी तक वो उल्टा चलती थी, अब की बार तू उल्टा चल। उसने कहा गुरुजी उल्टा कैसे चलूं? तो तुरंत गुरुजी ने कहा कि एक काम कर, तू ऐसा कर कि आज घर जाकर बोलना अपनी पत्नी से, सुनो पिताजी का श्राद्ध है पर अपन श्राद्ध नहीं करेंगे। अभी तक बोलती थी करेंगे, अब बोलना नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है, ऐसा बोल दूंगा। और उसने जाकर तुरंत कहा, सुनो पिताजी का श्राद्ध है, अपन नहीं करेंगे। पत्नी तुरंत चिल्ला के बोली, क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता और तुम ही उनका श्राद्ध भी कर रहे, जरूर करेंगे। अब पति ने मन में सोचा गुरुजी तो गुरुजी है, कितना बड़ा ज्ञान दे दिया भाई, कितना बड़ा। और गुरुजी ने कहा था जो जो तुझे करवाना है उसके लिए उल्टा चलना। इतने में इसने कहा, सुनो श्राद्ध करेंगे तुम कह रही हो तो, पर पंडित को भोजन नहीं कराएंगे। इतने में पत्नी जूड़ा बांधती बांधती बोली, क्यों नहीं कराएंगे? इतनी सारी प्रॉपर्टी छाती पे बांध के ले जाओगे, 100 बामन को जिमाएंगे जा। पति ने सोचा आज तक एक नहीं जिमाया और आज 100 बामन जिमा रही है। पति ने कहा ब्राह्मण को जिमा देंगे तेरे कहने पर दक्षिणा नहीं देंगे। कैसे नहीं दोगे? सबको सोने की अंगूठी देंगे। पति बड़ा प्रसन्न। अब पंडित जी आ गए, श्राद्ध करने लगे, पिंडदान बनाया, पिंड करवाया। पंडित जी ने कहा यह पिंड ले जाकर अच्छी गंगा जी की नदी में पानी में इसका विसर्जन करो। पत्नी ने पति से पूछा कहाँ जा रहे हो? पति चिल्ला कर बोला पिताजी के पिंड को नदी में विसर्जन करने जा रहा हूं। इतने में पत्नी चिल्ला कर बोली तुम्हारे बाप ने कौन सा अच्छा काम किया था जो नदी में विसर्जन करने जा रहा हो, गटर में पटक दो। अब यहाँ पर उसको उल्टा बोलना था कि पिंड को गटर में पटकने जा रहा हूँ, तो पत्नी बोलती नदी में विसर्जन करो। अब इसने कहा नदी में विसर्जन करो, तो इसने गटर में पटकवा दिया। बड़ा दुखी हुआ, सारा करा धरा पे पानी फिर गया। गुरुजी के पास गया, गुरुदेव गुरुदेव कुछ तो करो कि मेरी पत्नी से मेरा पीछा छूट जाए। गुरुजी ने कहा ऐसे पीछा नहीं छूटने वाला, एक काम कर तू गंगा नहाने हरिद्वार चले जा। हरिद्वार चले जा तो इससे पत्नी से पीछा छूट जाएगा। क्यों नहीं छूटेगा? पत्नी से भी कह देना कि हरिद्वार जाने का मना करना उसको, तू मना करेगा तो वो जाएगी। बस उल्टा उल्टा करते जाना, मैं तुझे समझा के भेज रहा हूँ वैसा करना। उसने गुरुजी ने जैसा समझाया वैसे करा। घर पहुंचा, पत्नी से बोला सुनो पूरे गाँव के लोग, पूरे रेवाड़ी के लोग हरिद्वार जा रहे हैं, अपन नहीं जाएंगे क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। पत्नी बोली कैसे नहीं जाएंगे, 40 साल शादी के हो गए, आज तक कहीं घुमाने नहीं ले गए, चलो मेरे साथ हरिद्वार। पत्नी हरिद्वार ले गई पति को। अब गुरुजी ने कहा था गंगा जी में नहाने जाना, और पत्नी जब नहाने लगे तो पत्नी से कह देना ज्यादा आगे मत जा। बस इतना ध्यान। और पत्नी जैसी गंगा जी में उतरी और पति ने चिल्ला कर कहा आगे मत जाना। पत्नी बोली जाऊंगी जा। और जो आगे गई और पानी में बह गई। इसने जेब में से नरियल निकाला, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा, गंगा मैया ले जा। इतने में गुरुजी भी समझदार थे। गुरुजी को मालूम है कि पत्नी बहुत तेज है, गंगा जी में चेन पड़ी रहती है और चेन को पकड़ लेगी, और पत्नी ने चेन पकड़ ली। अब इसने नरियल वापिस जेब में रख लिया, तो बच गई। और गुरुजी की वचन याद आ गए, जब चेन पकड़ ले तो चिल्लाकर कहना जम के पकड़। अब इसने चेन पकड़ी, पति ने कहा अच्छे से पकड़ना, जम के पकड़ना। पत्नी बोली नहीं पकड़ना, जा। हरिद्वार में बही, बंगाल में निकली। चंद्र शीतल आरती चंद्र कर रहा है, शीतल, और कर्पूर गोरम करुणावतार संसार सारम भुजगे। चंद्रदेव ने जो भगवान की आराधना करी, आराधना करते ही शंकर जी ने दर्शन दे दिया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध इसलिए आया कि दक्ष प्रजापति को क्रोध आने का कारण केवल इतना सा था कि मैंने चंद्र को काया का रोग का श्राप दिया था, इसका रोग ठीक किसने करा? तो मालूम पड़ा कि शंकर भगवान ने करा है, शिव ने करा है। बस दक्ष प्रजापति का हृदय जल गया, मेरा दामाद होकर मेरे अनुकूल नहीं चल रहा, मेरे विपरीत चल रहा। चंद्र को ठीक कर दिया, जिस चंद्र को मैंने काया का रोग दिया था उसको ठीक कर दिया। क्रोध में आ गए दक्ष प्रजापति। और आखिरी में हुआ क्या? यज्ञ की तैयारी हुई। उस यज्ञ की मीटिंग में भी शंकर का अपमान किया। यज्ञ में शंकर को ना बुलाकर उनका अपमान किया। बार बार शंकर का अपमान करते हैं, केवल एक कारण है, क्योंकि शंकर भगवान ने उन्हें रोग से मुक्त करा था। मेरे शिव जी को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, दुनिया के लोग कितना भी आड़ा टेढ़ा बोले, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने अपने दिल से शंकर भगवान को पुकारा है तो सारी दुनिया तुमको दुख देने वाली होगी, और मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला है। मेरा महादेव दुख से निवारण करने वाला। शिव कथा कर और सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। 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 द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली थाली द्वार तेरे आया हूँ। भर खाली द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। भर दे झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े प्रेम से द्वार तेरे आया हूँ। द्वार तेरे आया हूँ। सुन बोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन बोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन बोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। ओ द्वार तेरे आया हूँ। तब द्वार तेरे आया हूँ। ओ द्वार तेरे आया हूँ। द्वार तेरे आया हूँ। ओ द्वार द्वार तेरे आया हूँ। मैं द्वार तेरे आया हूँ। सुन बोले बोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन बोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन बोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से भाव से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ कहिए। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं वो भी प्रेम से बैठकर भाव से बाबा से अपने मन की बात अपने हृदय के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। बार बार ये मौका नहीं लगता बाबा से अपने मन की बात कहने का। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 सब दुख काटो हमारा ओ भोला। सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला। सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा ओ भोला। सब दुख काटो हमारा ओ भोला। सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है चंद्र के रोग को शिव समाप्त कर देते हैं। ऐसा दुनिया का कोई रोग नहीं जो मेरा महादेव समाप्त ना कर पाए। एक चीज आपके अंदर होना चाहिए, विश्वास। अगर आपके अंदर विश्वास है, भरोसा है, तो शिव तुम्हारा है और तुम शिव के। फिर वो सुनील जी ने ये कथा, कोई आज की बुकिंग नहीं है सुनील जी, आपकी कथा कई साल पहले बुक हो चुकी थी, कई साल पहले। रेवाड़ी वालों को तो बाद में मालूम पड़ा होगा कि सुनील जी कथा करा रहे हैं, तो ये तो आप लोगों को हम बाद में मालूम पड़ा होगा, पर ये कथा बहुत साल पहले बुक हो गई थी। और हम तो कहते हैं कि ये कोई पूर्व समय का जो आपका प्रारब्ध है, पूर्व समय का कोई भगवान देवादिदेव महादेव का आपसे कोई संबंध रहा होगा सुनील जी, तो ये बाबा रेवाड़ी में आकर कथा का रसपान करा दिया। कहीं कृपा भगवान शिव की हुई। और भगवान शंकर परीक्षा बहुत लेता है, बीच में जनरेटर बंद करवा देता है। बाबा है वो, कथा चालू होते होते भी बहुत बहुत समस्याएं सामने आकर खड़ी होती है, पर आप मुस्कुराकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने कार्य के लिए जब आगे बढ़ोगे तो समस्या समाप्त होती चली जाती है और बाबा की कृपा बरसती चली जाती है। भरोसा रखकर दृढ़ता अनुष्ठान किया। दक्ष प्रजापति ने एक मीटिंग रखी, शंकर भगवान भी बैठे थे उस मीटिंग में, उस सभा में शिवजी विराजमान थे। दक्ष प्रजापति उस सभा में आया तो उसको प्रणाम नहीं करा भोलेनाथ जी ने, नहीं देख पाए, होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि देख पाए। जितने लोग कथा श्रवण करने आए आपसे निवेदन है, सुनील जी आपको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे इससे मतलब मत रखना, सुनील जी की पत्नी ने आपका आदर करा कि नहीं करा उससे मतलब मत रखना, सुनील जी के बेटे ने आपको बैठने के लिए जगह दी कि नहीं दी उससे मतलब मत रखना, उनकी बेटी ने आपका आदर करा कि नहीं करा उससे मतलब मत रखना। आप कथा सुनने के लिए आया, आप यहाँ ये नहीं कि हमको बहुत वीआईपी व्यवस्था मिलना थी, हमको ऐसी व्यवस्था मिलना थी, हमें ऐसा ना ना ना। आप किसके भरोसे आए? जम जम के बोलो जरा बाबा। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर भगवान की कथा का रसपान ग्रहण करो, अपने जीवन को आनंदित करो। इस भाव में मत रहो कि कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन अपमान कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। देखिए मेरा देवाधिदेव महादेव, संसार में आप किसी का अनुमोदन करें ना करें, किसी का स्मरण करें ना करें, हमें पता नहीं, पर शंकर का स्मरण जरूरी है, बहुत जरूरी। अपनी जिंदगी में चार का होना जरूरी है, एक माता, दूसरा पिता, तीसरा गुरु और चौथा देव अधिदेव महादेव। इनका होना जरूरी है। ये ब्रेक का काम करते हैं। आजकल नई नई गाड़ियां आ रही हैं, कितनी भी वीआईपी गाड़ी लिया, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की गाड़ी लिया, गाड़ी में नई नई गाड़ियों में से क्लच हटा दिया गया है। सुनील जी सही है, नई गाड़ियों में से क्लच हटा दिया और वीआईपी गाड़ी ले आओ, उसमें से गेयर, बोलो बोलो जम के बोलो, हटा दिया। दुनिया की कितनी भी वीआईपी गाड़ी ले आओ, भले उसमें क्लच हटा देंगे दुनिया के लोग, बनाने वाले उसमें से गेयर हटा देंगे, पर ऐसी कोई गाड़ी आज तक नहीं बनी जिसमें से ब्रेक हटा दिया गया, जिसमें से ब्रेक। कितनी भी वीआईपी गाड़ी बन जाए, 10 करोड़ की, 5 करोड़ की, 3 करोड़ की, 4 करोड़ की, उसमें से क्लच हट जाएगा, गेयर हट जाएगा, पर ब्रेक नहीं हटेगा। ये ब्रेक गाड़ी में होना जरूरी है, उसी तरह अपनी जिंदगी में महादेव का होना जरूरी है। ये ब्रेक ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारी जिंदगी के उन्नति के मार्ग के लिए, हमारे जीवन के आगे के पहलू के लिए शिव का होना जरूरी। दक्ष प्रजापति समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया। पूरे रेवाड़ी में हाहाकार मचा हुआ था कल, किस बात का? पूरी रोड़े जाम हो गई। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? पूरे अखबारों में, सोशल मीडिया में, सब दूर यही चल रहा था। रेवाड़ी की सारी रोडें जाम हो गई, मार्ग पूरा जाम हो गया, पूरा मार्ग जाम हो गया। लोग कह रहे थे हम जाम में फंस गए, हम उनसे निवेदन करेंगे ये शंकर की कथा का जाम है, जो इसमें एक बार फंस जाता है बाकी की दुनिया के जाम में नहीं फंस पाता है, क्लियर निकलता चलेगा। क्लियर, एक बार फंसे हो ना, एक बार अंदर आ गए हो ना, एक बार तुम्हें तकलीफ हो गई ना, 5 दिन तुम जो यहाँ फंसे हुए हो चिंता मत करना, बाकी की उलझन में नहीं फंसोगे, बाकी की उलझन में क्लीन रहोगे। उदाहरण कर सकते हो उतना, अपने जीवन को जितना सार्थक बना सकते हो उतना बनाओ, उतना। शिव कथा कर रही है, भगवान देवजी ने महादेव का संवाद करा, शिव महापुराण की कथा कर। दक्ष प्रजापति शंकर भगवान जब उठकर प्रणाम नहीं करे, नमन नहीं करे, झुके नहीं, प्रणाम नहीं किया, क्रोध आ गया। क्रोध, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान देवजी ने महादेव को, तू मेरा दामाद होकर, मेरा जमाई होकर तुमने मुझे प्रणाम नहीं करा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। सुनो दक्ष प्रजापति कहते हैं, सुन शंकर, सुनो देवादिदेव महादेव, सुनो शिव, तुम मेरे दामाद होकर तुमने मेरा सम्मान नहीं करा, मेरा आदर नहीं करा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करो। शंकर भगवान को कोई टेंशन नहीं, पार्वती जी को भले थोड़ी चिंता थी कि अपन शादी के बाद कहां रहेंगे। पार्वती जी ने शिव जी से ये पूछा था, अपन शादी के बाद कहां रहेंगे। कई कई लड़की लड़के से पूछ लेती है, अपन शादी के बाद कहां रहेंगे। लड़का लड़की आपस में बोल देते हैं, तू मेरे दिल में रहना, मेरे दिल में रहे। हमने अभी कथा में कहा था, प्रेम इसको नहीं कहते कि तुमने हाथ पे नाम लिखा लिया, छाती पे नाम लिखा लिया, भुजा पर नाम लिखा लिया। इतनी लंबी चाहत है तो प्रॉपर्टी पे नाम लिखा के बता था। वो इसको प्रेम नहीं करते, ये दिखावा है, केवल दिखावा। और मेरी जीजी आपसे निवेदन है, शंकर के मंदिर में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के मंदिर में दिखावे का काम नहीं होना चाहिए। बस दिल से जाना, दिल से पुकारना, दिल से कहना, दिल से सुनाना और दिल से सुनना, मेरा महादेव तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाना। दिखावा नहीं, मेरे शंकर भगवान को दिखावे से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। मेरे शंकर भगवान को दिखावे से मतलब नहीं, मेरे शिव जी को केवल तुम्हारे निर्मल मन से, तुम्हारे चित्त से, तुम्हारी वृत्ति से, तुम्हारे हृदय से। पार्वती जी ने जरूर महादेव से कहा था, शंकर भगवान से पार्वती जी विवाह करने से पहले बोली थी, अपन कहां रहेंगे। तुम होते तो कह देते दिल में। महादेव ने कहा नहीं, मुझे श्राप लगा है, मुझे श्राप है, अपन रहेंगे शमशान में। पार्वती जी बोली शमशान में, वहां अपन से मिलने कौन आएगा, वहां अपने पास में कौन आएगा। शंकर भगवान बोले कोई नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा तो लोग उसे बांध कर लाएंगे, तो चिंता मत कर, कोई ऐसे नहीं आएगा, उसको बांध कर लाया जाएगा और आखिरी में अपने पास छोड़कर जाएगा, फिर वो वापस नहीं जाएगा, अपना हो जाएगा। अपना कौन है? और मेरे भोले तेरा सारा है, मेरे भोले तेरा सारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू। उसकी अविरल भक्ति हमें आनंदता का भाव प्रकट कर देती। शिव कथा कर रही है, सती अपने प्राणों को, वही सती मैया, वही सती माता जान नहीं पाई थी, महादेव पहचान नहीं पाई थी। सबसे बड़ा है कथा के अंदर एक प्रसंग सबसे भारी है, माता पार्वती जी ने 51 जन्म लिए हैं, पर 51 जन्म माता पार्वती ले लेकर थक गई और शंकर जी को पहचान नहीं पाई। 51 जन्म, अब जरा विचार करिएगा, पार्वती जी 51 जन्म लेने पर भगवान शंकर को नहीं पहचान पाई, तो आप और हम कैसे पहचान सकते, कैसे जान सकते। एक लड़के ने एक प्रश्न किया था, गुरु जी क्या शंकर भगवान की कथा सुनने से क्या हमारे को फल की प्राप्ति होगी? हम कहते हैं अगर दिल से सुनी है तो बाबा क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं वो जगह मिले, तुम वहां बैठकर कथा सुनो, पर इतना ध्यान लगाकर सुनना कि आप भगवान शंकर की कथा को बैठकर सुन रहे हो, शिव तुम्हारे सम्मुख में और तुम शिव के सम्मुख में, कोई दूसरा तुम्हारे बीच में नहीं, केवल शंकर ही शंकर, तुम्हारे सामने भी है, तुम्हारे सम्मुख, शिव के सिवा खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ लड़ी मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिना जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तोड़ा डालो गिरी जा रही हो, उठा लो। दिल से किया गया भजन खाली नहीं जाता। सती मैया ने प्राणों को त्याग दिया, वही सती माता हिमालय राज के घर में मीनावती जी के गर्भ से पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। पार्वती माता का जन्म हुआ। अब बाल्यावस्था से माता पार्वती जी के मन में एक ही बात थी कि शंकर को समझना, शिव को जानना। और भगवान शंकर को समझने के लिए माता पार्वती जी ने बाल्यावस्था से शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करना प्रारंभ किया। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती, उसका पूजन करती, आराधना करती, और ऐसी कृपा देवादिदेव महादेव की हो गई, ऐसी करुणा महादेव की हो गई, ऐसी कृपा देवादिदेव महादेव की हो गई कि पार्वती जी की तप साधना में वो बल आ गया कि पार्वती जी शंकर भगवान के प्रति समर्पित। समर्पण किसको कहा गया? दिखावे का समर्पण नहीं होना चाहिए। एक भक्ति का समर्पण होता है जिसमें आप भगवान शंकर के प्रति प्रबल भाव से जुड़ जाते हैं, प्रबल भाव, उसमें दिखावा नहीं है आपके अंदर। केवल एक विश्वास लेकर आप जुड़े हो। केवल एक भरोसा रखकर आप देवादिदेव महादेव से जुड़ चुके। दिखावा आपके सम्मुख में है नहीं। पार्वती जी भगवान शंकर को अपने हृदय में बिठाया। खूब समझाया हिमालय राज ने, मैनावती ने, परिवार वालों ने खूब समझाया कि वो शमशान के निवासी हैं, पर उनका डेरा है। खूब समझाया उनको कि आप समझ जाओ, इनसे विवाह मत करो। खूब समझाया, पर मानी नहीं पार्वती ने, मानी। जब पार्वती जी नहीं मानी, तब देवादिदेव महादेव से उन्होंने विवाह करने की आतुरता रखी, क्योंकि वो शंकर को जानना चाहती थी। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लक्ष्य क्या है? पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या है? एक आसन लगाकर टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठकर कथा सुनने का फल क्या है? जो नहीं जानते उनको जाना चाहिए कि समझना चाहिए कि आखिर शिव महापुराण की कथा ऐसी है क्या, जो पंडाल के सम्मुख में बैठकर कथा सुनी जाती है, आसन लगाकर कथा सुनी जाती है, दिल से कथा सुनी जाती है तो बाबा 3 महीने में दे देता है। आखिर समझे तो सही किसमें है क्या, आखिर इसमें समाया क्या है, इस कथा में है क्या। जो जान गया वो जान गया। जिसने अपनी चित्तवृत्ति में बिठा लिया, जिसने अपने जीवन में समर्पित भाव में उसको जान लिया, वो जान गया। पार्वती जी शंकर जी को जानने के लिए उनसे फिर विवाह करना चाहते वापिस। कभी उमा बनी, कभी कात्यायनी बनी, कभी कुष्मांडा बनी, कभी चंद्रघंटा बनी, कभी स्कंदा बनी, कभी सती बनी, ना जाने कभी उमा बनती है। कितने कितने जन्म माता पार्वती के निकलते चले गए। फिर एक जन्म माता पार्वती का जो हिमालय राज के घर में हुआ वो फिर जानने के लिए। अब की बार भोलेनाथ पार्वती जी को ब्याहना नहीं चाहते थे क्योंकि ये जन्म लेती है मर जाती है, जन्म लेती है मर जाती है, मुझे पहचान नहीं पा रही। और बाल्यावस्था से माता पार्वती जी ने शंकर के शिवलिंग की पूजन करी, शंकर भगवान के स्वरूप की नहीं, शिवलिंग की पूजन करी। और जो एक बार भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर देता है, एक बार जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करना चालू कर देता है, जो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू कर देता है, वो अकेला नहीं रहता, उसके साथ में मेरा काल अधिपति महाकाल साथ जाता। शिव जान गए ये मेरी हो गई। शंकर भगवान ने पार्वती जी से विवाह करने की हाँ भर दी। शिव दूल्हा बने, पार्वती मैया दुल्हन बनी। शंकर पार्वती आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती जी का स्वागत करिए। भाव से आनंद से शिव पार्वती यहाँ पधार रहे। अब शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर